चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ के और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 7 टिफिन बम जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, नक्सली मूवमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और पुलिस दोनों की मिलीभगत से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों आपको बता दें कि बंदरचुआ मार्ग पर नक्सलियों ने ये टिफिन बम लगाए थे, जहां पर सीआरपीएफ और पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 7 टिफिन बम को बरामद किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 7 टिफिन बम जब्त किए हैं। जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे चुनचुना पुंडाग से बंदरचुआ मार्ग पर नक्सलियों ने 7 टिफिन बम लगाए थे और पुलिस और सीआरपीएफ की टीम गश्त पे निकली हुई थी। गश्त के दौरान उन्होंने ये बम बरामद किए हैं। बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड की भी मदद ली गई है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि नए साल से पहले पुलिस की और सीआरपीएफ की एक बड़ी कामयाबी है और ये माना जाए कि नक्सली किसी बड़े मूवमेंट को अंजाम देने के फिराक में थे। जी, तो ये जो नया साल आने वाला है उसको देखते हुए ये बम लगाए गए थे। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि नक्सली ये जो क्षेत्र है बंदरचुआ का क्षेत्र, जस्ट इससे लगा हुआ एक बूढ़ा पहाड़ी है जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और नक्सली अक्सर यहाँ पे ऐसे बम लगाया करते हैं। और लेकिन इस बार नए साल से पहले पुलिस की सक्रियता की वजह से ऐसी कोई दुर्भाग्यजनक घटना घटने से बची है और पुलिस ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। जी प्रियंका, तो क्या उस मार्ग पर पुलिस रोज गश्त करती है? अगर रोज गश्त करती है तो ये जो आइटम बम लगाए गए, ये किस वक्त पर लगाए गए? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप भी है और पुलिस भी स्पेशल ड्यूटी पे तैनात रहती है, परंतु रात्रिकालीन समय में नक्सली इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और रास्तों पे टिफिन बमों को छुपा देते हैं। जी, तो पुलिस को कोई जानकारी हासिल हुई है कि कौन थे नक्सली, किसने ये बम लगाए हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः जंगली क्षेत्र है और पुलिस इस मामले में बिल्कुल गोपनीयता बनाए हुए है, किसी भी तरीके की कोई भी बात जाहिर नहीं करना चाहती। कुछ अन्य सुराग भी मिले हैं पुलिस को, लेकिन उसको आम नहीं करना चाह रही है। जी प्रियंका, आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इस संबंध में नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी प्रशांत कस्तम से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काफी सक्रियता दिखाते हुए इस को अंजाम दिया है और आगे बड़े खुलासे होने की संभावना है। चलिए देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बड़ी खबर आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जिस पर उन्होंने 7 टिफिन बम जब्त किए हैं। और चलिए इसी के साथ इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।